वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलने के लिए हमारे हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बेल बटन आइकॉन पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करिए। महा डीबीटी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिडीम, सेकंड इंस्टॉलमेंट रिडीम, ये रिडीम क्या चल रहा है? रिडीम का बटन तो मिल रहा है लेकिन रिडीम बटन काम ही नहीं कर रहा है। अगर रिडीम बटन काम भी करता है सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए तो वह एरर जनरेट कर रहा है। कितने सवाल यहाँ पर, कितने कमेंट्स में हमें मिल चुके हैं जिसमें कहा गया है कि सर सेकंड इंस्टॉलमेंट का बटन हमें दिखाई तो दिया है लेकिन जैसे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट बटन पर हमें एरर आ जाता है और एरर में आ जाता है कि हमारा स्कूटनी एप्लीकेशन अंडर डीडीओ लेवल पे पड़ा हुआ है तो अंडर डीडीओ लेवल को अप्रूव होने में अभी देर लगेगा। ऐसा शायद आपको एरर जनरेट होता होगा लेकिन अंडर डीडीओ लेवल का जनरेट होने वाला एरर हमने भी देखा है तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले छात्रों से, स्टूडेंट से पूछ लिया जाए, एप्लीकेंट से पूछ लिया जाए कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो रिडीम बटन है वह कितने छात्रों को नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मानना तो ऐसा है, हमारे मानने में तो ऐसा लग रहा है हमें कि 100% स्टूडेंट कोई भी, मतलब 100% स्टूडेंट मतलब 100% कैंडिडेट्स अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट के रिडीम को कंप्लीट नहीं किया होगा क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट का रिडीम का बटन अभी तक आपके लिए एक्टिव ही नहीं हुआ है। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर एक्टिव हुआ है तो उसके पीछे का रीजन हम आपको बताते हैं, वह एक्टिव होने के बाद भी, वह क्यों एक्टिव होने के बाद में आपके खाते में स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और एरर बटन आपको जनरेट हो रहा है। तो हमने जो सवाल आपसे पूछा था, जो हमने आपको कम्युनिटी के माध्यम से पोल बनाया थे, उस पोल में हमें 96% कैंडिडेट्स ने कहा है कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट जो महा डीबीटी रिडीम के बटन का है वह क्यों काम नहीं कर रहा है, इस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। तो इसी आपकी रिकमेंडेशन को देखते हुए हम यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसका रीजन हम आपको बताते हैं। तो शॉर्ट में हम कुछ महा डीबीटी के जो रिडीम के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हमसे वह कमेंट्स के माध्यम से हम देखना चाहेंगे। सिर्फ आज हम उसी रिडीम बटन के जो भी एरर्स है उस पर ही बात करने वाले हैं तो बाकी के जो भी कमेंट्स है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। तो सिर्फ हम देखते हैं महा डीबीटी के रिडीम बटन के बारे में। कोमल हीरे पूछ रहे हैं, मेरा फॉर्म अप्रूव हो गया, रिडीम किया बट एरर आया आधार लिंक का। फर्स्ट वीक पहले मैंने आधार लिंक किया, फॉर्म प्रोसीजर कर दिया, अब आगे क्या, पैसे कैसे आएंगे? अगर आपका आधार ऑलरेडी लिंक नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको NPCI लॉगिन करना होगा, NPCI अपडेट करना होगा और आपको आधार भी अपडेट करना होगा। अगर आपको अब तक यह नहीं पता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और कौन है देखते हैं आगे, फार्मेसी का नहीं अभी वह नहीं देखने वाले हम। यहाँ पे पूछा है राजेश मोहाड़ीकर ने, वह पूछते हैं सेकंड ऑप्शन आया है बट ये लिखकर आ रहा है रिडीम नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रिडीमिंग, रीजन करंट एप्लीकेशन स्टेटस शुड बी अंडर डीडीओ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका एप्लीकेशन अंडर डीडीओ दिखाई दे रहा है तो बराबर है, इस कमेंट में भी हमने देखा था कि शुड बी अंडर डीडीओ एप्लीकेशन बता रहा है तो इसका जवाब हम आपको देने वाले हैं। राजेश मोहाड़ीकर पूछ रहे हैं फिर से, जी रिडीम ऑप्शन आया है पर हो नहीं रहा है, बताएंगे हम, आप जरा आगे बढ़ के देख लेते हैं हम। सर मेरा अप्रूवल हो गया है और फंड डिसबर्स भी दिखा रहा है बट रिडीम का ऑप्शन नहीं आया है। रिडीम का ऑप्शन नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगर आया भी होगा तो वह काम नहीं करेगा। आप डेली 2-4 दिन में अपडेट होते रहिए, लॉग इन करते रहिए, 2-4 दिन में आप देखते रहिए, आपको रिडीम का बटन मिल जाएगा। अगर एरर आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से अपडेट रहिए और यहाँ पर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे रीजन कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एमपी का है, फार्मेसी का है, यह बाद में देखेंगे। यह पूछ रहे हैं व्हाट द फेक, वाह क्या नाम है भाई, आफ्टर क्लिकिंग द रिडीम बटन एरर मैसेज फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन। भाई वह वही एरर है, अंडर डीडीओ लेवल का एरर है, हम आपको बताते हैं क्या करना है। थैंक्स भाई जी, एक यूट्यूबर हूँ, ओके भाई यह अलग है। चेक रिडीम स्टेटस के बाद क्या रिडीम का ऑप्शन आएगा? चेक रिडीम स्टेटस के बाद
मतलब आप पूछ रहे हैं रिडीम करने के बाद आपको रिडीम का ऑप्शन आएगा क्या? अच्छा, चेक रिडीम स्टेटस का। हाँ बिल्कुल, चेक रिडीम स्टेटस आपको ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन अप्रूव्ड में, वहां पर आपको चेक रिडीम स्टेटस पे क्लिक करना है, तब जाके आपको रिडीम का ऑप्शन वहां पर दिखाई देगा, आपको रिडीम पर क्लिक करना होगा। दमित सुरेश पूछ रहे हैं, मेरे पास फंड डिसबर्स ये दिखा रहा है। फंड डिसबर्स मतलब आपके खाते में वह प्रोसीजर शुरू हो चुकी है, आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे। कुलदीप सावंत पूछ रहे हैं, सर मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉलेज की फंड डिसबर्समेंट में हो गया है लेकिन स्टूडेंट के नहीं हुआ, प्लीज सर सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके स्टूडेंट में कितनी फंड दिखाई गई थी। अगर स्टूडेंट फंड आपके लिए वहाँ पे जीरो होगी तो आपके अकाउंट में वह आने ही वाले नहीं है, तो वह स्टूडेंट डिसबर्समेंट वह पेंडिंग ही दिखाएगी। अगर है तो कोई बात नहीं, आप कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल में स्टूडेंट डिसबर्समेंट कहाँ तक आया हुआ है। चलिए, यहाँ पर अभी जो भी ऑप्शंस है रिडीम के बारे में वह पूरे हो गए। यह एक लास्ट है, सर रिडीम करने पर एरर आ रहा है, रीजन करंट एप्लीकेशन स्टेटस शुड बी अंडर डीडीओ, आपका भी यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो अंडर डीडीओ रीजन बता रहा है लेकिन रिडीम बताने के बाद, दिखाने के बाद भी वह रिडीम क्यों नहीं हो पा रहा है, वह एरर क्यों नहीं आ रहा है, हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अभी डैशबोर्ड पे लॉग इन हो चुके हैं हमारे क्लर्क लॉग इन से, और क्लर्क लॉग इन से हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और रिडीम का बटन आपको दिखने के बाद में भी वह इनेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, वह एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है, वह रीजन अंडर वीडियो क्यों दिखा रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम किसी भी एक डिपार्टमेंट को चुन लेते हैं, समझिए यहाँ पर सोशल एंड जस्टिस स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट चुनते हैं, या फिर ट्राइबल डेवलपमेंट, चलिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चुनते हैं। तो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चुन लिया, यहाँ पर स्कैम नेम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सिलेक्ट स्क्रूटिनी फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। जैसा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस प्रकार से कॉलेजेस ने आपके एप्लीकेशंस को अप्रूव किया है, उसी प्रकार से सेकंड इंस्टॉलमेंट में फिर एक बार कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव करना है, तब जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म में या जो रिडीम का बटन है सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए वह एक्टिव होगा। तो वह एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, हो पा रहा है, और कॉलेजेस आपके एप्लीकेशंस को आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे, हम आपको अभी वह बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सही डिटेल्स को चुन लिया है, अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है हम आपको दिखाते हैं, हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर आपकी लिस्ट दिखनी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई देगी, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिस्ट दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे लिस्ट दिखेगी तब जाके इंस्टीट्यूट वाले आपके एप्लीकेशंस को आगे डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, तब तक फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डाटा जनरेट हो रहा है, मैसेज नो डाटा फॉर स्पेसिफिक स्कीम के लिए। तो जब तक यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस नहीं दिखेंगे जिस प्रकार से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फॉरवर्ड किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर नहीं दिखाई देगा और आपका एप्लीकेशन यहाँ से फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आपको डिपार्टमेंट के तरफ से एप्लीकेशन में अप्रूवल मिलने के बाद में सेकंड जो इंस्टॉलमेंट का रिडीम बटन है वह एक्टिव होगा और आपको तब जाके एरर शो नहीं होगा। तो शॉर्ट में हम आपको फिर से बताएंगे, जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज लेवल में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब तक यह मैसेज जो जनरेट हो रहा है एरर का, नो डाटा फॉर स्पेसिफिक स्कीम का, वह नहीं हटेगा, आपकी लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, तब तक आपका एप्लीकेशन आगे डिपार्टमेंट लेवल में फॉरवर्ड नहीं होगा और डिपार्टमेंट लेवल से वह अप्रूव नहीं होगा। जब यहाँ से फॉरवर्ड होगा तब डिपार्टमेंट लेवल अप्रूव करेगा, तब जाके आपका रिडीम बटन काम करेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट का महाडीबीटी का रिडीम बटन क्यों काम नहीं कर रहा है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी सवाल आपने हमसे पूछे थे सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, वह सारे जो भी आपके सवाल थे, आपके मन में चल रही जो भी शंकाएं थी, जो भी शंकाएं आपको उत्पन्न हो रही थी, वह आपके शंका का निराकरण हो चुका होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल, कुछ आपको ऐसे अभी परेशान कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के अंतिम तक के लेटेस्ट अपडेट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि
आपको स्मार्ट डीबीटी के भी इस प्रकार के अपडेट्स अभी नहीं मिलेंगे, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के अपडेट्स मिलेंगे अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल बटन के घंटे को दबाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।